हाय गाइज, आपको मेरा बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो नंबर 2 है रडार का। जो भी वीडियो 1 नहीं देखे हैं प्लीज़ उसे देख ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट वीडियो 2 का, रडार वीडियो 2 में एक टॉपिक है प्लान पोजिशन इंडिकेटर, इसको हम लोग PPI बोलते हैं। प्लान पोजिशन इंडिकेटर PPI। प्लान पोजीशन इंडिकेटर क्या होता है कि ए प्लान पोजीशन इंडिकेटर ए टाइप्स ऑफ रडार, ये भी एक तरह का रडार ही होता है। प्लान पोजीशन इंडिकेटर ए टाइप ऑफ रडार डिस्प्ले डैट रिप्रेजेंट्स द रडार एंटीना इन द सेंटर ऑफ द डिस्प्ले। ये क्या होता है प्लान पोजीशन इंडिकेटर, जो कि एंटीना के सेंटर में होता है। विद द डिस्टेंस फ्रॉम इट द हाइट अबव द ग्राउंड, ये डिस्टेंस को पता करता है कि ग्राउंड से कितना ऊपर में मेरा टारगेट है, एज ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल में मूव करके। अब क्या होता है कि अबव द ग्राउंड एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एज द रडार एंटीना रोटेट ए रेडियस स्ट्रेस। ये जो होता है PPI प्लान पोजीशन इंडिकेटर, जो कि रोटेट करता है। ऑन द PPI स्वीप्स ए रेडियल ट्रेस ऑन द PPI स्वीप्स इन यूनिसॉन with the about the centers points, it is the most common types of radar display. ये भी एक most common types of radar का display होता है PPI plan position indicator. अब क्या होता है कि the radar antenna send pulse, radar antenna क्या करता है pulse को send करता है while rotating the 360 degree, जब rotate करता है 360 degree पर around the radar site at the fixed evaluation angle, फिक्स एवोल्यूशन एंगल 360 डिग्री पर ये मूव करता है। तो हम क्या करता है एंटीना, मेरा रडार एंटीना सेंड करता है पल्स को। होता है क्या है इसमें कि जब इसमें रडार है पॉइंट है कुछ सेंड किया तो क्या है आर रेडियस हो गया, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा टारगेट हो गया। अब क्या है ई रेंज निकालता है, ई थीटा डैश मतलब एजीमूथ एंगल्स को बोलते हैं, रडार हो गया जैसे थीटा डैश एजमूथ एंगल और आर हो गया रेडियस इज इक्वल टू रेंज। हम लोग बात करते हैं द PPI इज यूज इन मैनी डोमेन इवेल्युएशन। अब हम लोग बात करते हैं कि PPI प्लान पोजीशन इंडिकेटर का यूज कहाँ होता है, द डिस्प्ले द रेंज एंड द पॉइंट पोजिशनिंग स्पेशली इन द रडार्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट कंट्रोल में यूज होता है। PPI का यूज कहाँ होता है, एयरक्राफ्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स में, एयर नेविगेशंस में, मेट्रोलॉजी में, ऑन बोर्ड स्वीप एंड एयरक्राफ्ट में यूज होता है। PPI की यूज क्या होता है, मेनली PPI का यूज एयर ट्रैफिक कंट्रोल, शिप नेविगेशंस, मेट्रोलॉजी, ऑन बोर्ड एंड साइड ऑफ एयरक्राफ्ट ETC, बहुत सारा में यूज होता है बट मेनली इतना होता है। PPI डिस्प्ले आर ऑल्सो यूज टू डिस्प्ले, PPI ऑल्सो यूज टू डिस्प्ले कहाँ होता है, सोनार डाटा, इसका डिस्प्ले का यूज करते हैं PPI का, स्पेशली अंडर वाटर वेलफेयर। अब हम लोग बात करते हैं रडार में एक और टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट में कि एन इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड लाइट और अदर वेव्स एज द सोर्स एंड ऑब्जर्व मूव टुवर्ड्स इच अदर। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि जब इंक्रीज कर फ्रिक्वेंसी कर साउंड ऑफ लाइट ऑफ द वेव्स एज द सोर्स एंड द ऑब्जर्वेशन मूव्स टुवर्ड्स इच अदर दैट द इफेक्ट कॉजेस द सडन चेंज इन द पिच नोटिसेबल, सडन पिच चेंज आता है नोटिसेबल इन द पासिंग सायरन एज वेल एज द रेड शिफ्ट सीन ऑफ द एस्ट्रोनोमर्स। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि डॉपलर इफेक्ट इज द चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव रिलेशन टू द ऑब्जर्वर। डॉपलर इफेक्ट का फ्रिक्वेंसी चेंज होता है वेव जो रोटेशन ऑब्जर्वर जब मूव करता है, द मूविंग द रिलेशंस वेव द सोर्स, इट नेम आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट चैरिटियन डॉपलर हुज डिस्क्राइब हुज द फेनोमेनन 1842 में, 1842 में इसको डिस्क्राइब किया गया था डॉपलर इफेक्ट को। किसने डिस्क्राइब किया था, ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट चैरिस्टियन डॉपलर हुज द डिस्क्राइब द फेनोमेनन 1842 में।
होता क्या है, फॉर्मूला होता है एफ डी बराबर टू वी आर बटे लेमडा, वेयर जिसको हम एफ डी क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट, वी आर रिलेटिव वेलोसिटी एंड लेमडा इक्वल टू वेव लेंथ। अब मेरा रडार का एक मेन टॉपिक है जिसको बोलते हैं एम टी रडार, क्या बोलते हैं टॉपिक संग मेरा रडार में जिसको हम लोग बोलते हैं एम टी रडार। ये क्या होता है, मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार, ये भी एक तरह का टाइप ही होता है रडार का, मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार जिसको हम लोग बोलते हैं एम टी आई रडार। क्या होता है, द इको सिग्नल्स ड्यू टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स प्लेसेस सच एज लैंड एंड सी आर कॉल्ड कल्टर्स बिकॉज देर आर अनवांटेड सिग्नल। जब कोई इको सिग्नल्स आता है तो उसको पता करना होता है कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है या नॉन स्टेशनरी। जब स्टेशनरी होता है सबसे लैंड से हो सकता है या सी मतलब समुद्र एंड कॉल द कल्टर्स वगैरह हो सकता है बिकॉज देयर अनवांटेड सिग्नल्स भी आ सकता है मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार्स। द रडार यूज द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट, रडार को यूज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट पर करते हैं। फोर डिस्टिंग्विशिंग द नॉन स्टेशनरी टारगेट, टारगेट नॉन स्टेशनरी भी हो सकता है स्टेशनरी फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, दिस टाइप्स रडार इज एम टी रडार। एम टी रडार क्या करता है, मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार्स होता है जो कि पता करता होता है कि टारगेट मेरा स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसीव सिग्नल, जो फ्रिक्वेंसी आता है उस सिग्नल को रिसीव करते हैं, विल इंक्रीज द टारगेट इज मूविंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द रडार। अब क्या होता है कि एम टी रडार्स का टाइप्स, टाइप्स ऑफ एम टी रडार्स, टाइप्स ऑफ एम टी रडार्स दो टाइप्स के, देयर आर टू टाइप्स एम टी रडार्स। एक होता है हमारा एम टी रडार्स विथ पावर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर्स और दूसरा होता है एम टी रडार्स विथ पावर ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर। हम लोग बात करते हैं पहला वाला, क्या है एम टी रडार्स विथ पावर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है कि पहले पल्स मॉड्यूलेटर लगाते हैं, कोई सिग्नल्स आएगा उसके लिए पल्स मॉड्यूलेटर हम लगाते हैं, पल्स में जो सिग्नल्स आएगा उसको हम एम्पलीफाई करेंगे, इसको हम लोग पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। अब पावर एम्पलीफायर जो है कनेक्ट होता है डुप्लेक्सर से, एक साइड से कनेक्ट होता है मिक्सर वन से, और मिक्सर वन जो कनेक्ट होता है वो होता है लोकल ऑसिलेटर, जो कि लोकल ऑसिलेटर मिक्सर वन और मिक्सर टू से भी कनेक्ट होता है। अब मिक्सर टू क्या करता है कि मिक्सर टू भी आई एफ एम्पलीफायर से कनेक्ट होता है और आई एफ फेज डिटेक्टर से कनेक्ट होता है, और ये फेज डिटेक्टर सिग्नल को देता है वो जाता है कहाँ, कोरेंट ऑसिलेटर्स में जो कि मिक्सर वन को पहुँचाता है। अब होता है कि फेज डिटेक्टर जो होता है टू डिल लाइन कैंसलर भी होता है। ये हो गया डायग्राम ऑफ एम टी रडार्स विद पावर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर्स का। अब हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करने पर हमें पता चला कि पल्स मॉड्यूलेटर क्या होता है, कि पल्स मॉड्यूलेटर क्या करता है, इट प्रोड्यूस अ पल्स मॉड्यूलेटर सिग्नल एंड इट इज अप्लाइड टू द पावर एम्पलीफायर। कोई सिग्नल था उसको प्रोड्यूस करके कहाँ भेजता है, पावर एम्पलीफायर में। अब पावर एम्पलीफायर क्या करता है, इट एम्पलीफाई द पावर लेवल, जो सिग्नल आता है उसको एम्पलीफाई करके उसको पावर लेवल बढ़ाते हैं ऑफ द पल्स मॉड्यूलेटर सिग्नल। पल्स मॉड्यूलेटर सिग्नल जो आता है उसके पावर लेवल को हम लोग बढ़ाते हैं, किसमें, पावर एम्पलीफायर में। अब आते हैं लोकल ऑसिलेटर, तो इट प्रोड्यूस अ सिग्नल हैविंग ए स्टेबल फ्रिक्वेंसी, एफ एल इसको बोलते हैं, हैंस इट इज़ द एल्सो कॉल्ड ए सुटेबल लोकल ऑसिलेटर्स, द आउटपुट ऑफ द लोकल ऑसिलेटर इज अप्लाइड टू द मिक्सर वन एंड मिक्सर टू। अब टॉपिक आता है कोहेरेंट ऑसिलेटर क्या करता है, कि इट प्रोड्यूस सिग्नल, सिग्नल को प्रोड्यूस करता है हैविंग द इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के अनुसार, इसको हम लोग एफ सी बोलते हैं, एंड दिस सिग्नल इज यूज रिफरेंस सिग्नल, सिग्नल की यूज करके रिफरेंस सिग्नल, द आउटपुट ऑफ द कोहेरेंट ऑसिलेटर इज अप्लाइड टू द मिक्सर वन एंड फेज डिटेक्टर से अप्लाइड करता है, कौन करता है, द ऑसिलेटर कोहेरेंट ऑसिलेटर्स। हम लोग आते हैं मिक्सर वन में, मिक्सर वन क्या करता है कि मिक्सर कैन प्रोड्यूस द आइदर सम और डिफरेंस ऑफ द फ्रिक्वेंसी डैट वी अप्लाई टू इट, द सिग्नल हैविंग फ्रिक्वेंसी ऑफ एफ सी एंड एफ एल आर द अप्लाइड टू द मिक्सर वन, हेयर द मिक्सर वन इज यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग द आउटपुट वाइल हैविंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ एफ एल प्लस एफ सी। मिक्सर वन मिक्स करता है एफ एल और एफ सी को जोड़ता है। इसी में एक और टॉपिक है मेरा डुप्लेक्सर, तो इट इज ए माइक्रोवेव स्विच विच द कनेक्ट द एंटीना टू द आइदर द ट्रांसमिशन सेक्शन। डुप्लेक्सर का ट्रांसमिशन सेक्शन होता है जो कि एंटीना से कनेक्ट होता है, अदर द रिसीविंग सेक्शन बेस्ड ऑन द
requirement antenna transmit the signals having the frequencies FL plus FC when duplexed. Mixer to mixer can produce the sum or mixer difference of the frequency that are applied to the it. The signal having the frequency FL plus FC plus FD are FL applied to the mixer 2. Here the mixer 2 is used for the producing the output which is having the frequency FL. IF amplifier. The IF amplifier amplifies the signal having frequency FL, FC plus minus FD. This amplified signal is applied to the phase detector. Phase detector kya hota hai ki it is used to produce the output signal having frequency FD from the applied edge and two input signals which are having the frequencies of FC plus minus FD and FC. The output of phase detector can be connected to the delay line canceller. अब हम दूसरा एक टॉपिक है एम दूसरा जो टाइप्स होता है एमटीआई का क्या होता है दूसरा जो टॉपिक होता है एमटीआई का क्या होता है एमटीआई रडार विथ पावर ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर एमटीआई रडार विथ पावर ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर. इसमें क्या होता है कि पल्स मॉड्यूलेटर इसमें यहाँ पर जो पावर एम्पलीफायर लगा हुआ था टाइप वन में यहाँ पर वो नहीं लगता यहाँ पर लगता है मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर और कनेक्ट होता है डुप्लेक्सर से और ई जो कनेक्ट होता है मिक्सर से कनेक्ट होता है मिक्सर वन और ये क्या है लोकल ऑसिलेटर लोकल ऑसिलेटर जो होता है मिक्सर वन मिक्सर दोनों से उसमें कनेक्ट था और ये आईएफ एम्पलीफायर से कनेक्ट था फिर फेज डिटेक्टर से कनेक्ट था और ये क्या था कोहेरेंट ऑसिलेटर जो कि मिक्सर वन से कनेक्ट था. अब क्या होता है इसका थ्योरी जानते हैं. द आउटपुट ऑफ द मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर एंड द आउटपुट ऑफ द लोकल ऑसिलेटर द आउटपुट ऑफ द मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर एंड आउटपुट ऑफ द लोकल ऑसिलेटर आर अप्लाइड टू मिक्सर वन से अप्लाइड होता है एंड दिस विल बी फर्दर प्रोड्यूस द आईएफ सिग्नल्स द फेज ऑफ विच is directly related to the phase of the transmitted signal. The output of mixer 1 is applied to the coherent oscillator. The output mixer 1 kya hota hai applied hota hai coherent oscillator se. Therefore the phase of coherent oscillator output will be local to the phase of IF signal. This means the phase of coherent oscillator output will also directly related to the phase of the transmitted signals. अब क्या होता है कि सो द आउटपुट ऑफ कोहेरेंट ऑसिलेटर कैन बी यूज्ड एज रिफरेंस सिग्नल्स फॉर कंपेयरिंग द रिसीव्ड इको सिग्नल्स विद द कोरस्पोंडिंग ट्रांसमिटेड सिग्नल यूजिंग द फेज डिटेक्टर्स. अब हम बोलना चाहते हैं कि जो वीडियो है इसमें अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो गया है तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं. प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखें हो सकता है बहुत सारा गड़बड़ी हो गया होगा लेकिन प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुआ है. तो सो थैंक यू.